जी हाँ, एंगल चैनल पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे, तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले कुछ ही दिनों में सेंचुरी कोरोना ने पार कर ली। आपको बता दें कि जिसके बाद खंडवा पुलिस प्रशासन की टीम लगातार एक्टिव हो गई है और ऐसे लोगों के विरुद्ध चालान बना रही है जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। खंडवा शहर में लगभग हर थाना ये कार्रवाई कर रहा है, चौकी की टीम कार्रवाई कर रही है, जिले भर में भी ये कार्रवाई चल रही है। और जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मोटक्का चौकी के अंतर्गत जो हाईवे है उस पर बनाया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि मास्क ना लगाने वाले लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि गमछा लगाने वाले लोगों ने चालानी कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना था कि गमछा जो लोग लगाते हैं उनके खिलाफ चालान नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मास्क भी वही काम करता है जो गमछा करता है। जो हमारे देश का देसी आदमी है, देश का किसान, वो अक्सर गमछे का प्रयोग करता है और गमछे को मुंह पे लगा लेता है। मास्क और गमछे में कोई अंतर नहीं है। प्रभारी मंत्री ने भी कल ये कहा कि हमारा जो गमछा है वो आपके मास्क से कई गुना अच्छा है। तो ऐसे में जब मंत्री पर चालान नहीं बनता और जब ऐसे नेता मास्क का प्रयोग नहीं करते और भीड़ भाड़ लेकर घूमते हैं, तब उन पर प्रशासन शासन कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता। इस तरह की बात लोग आज की डेट में रोड पर करते हुए नज़र आते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो नियम है वो आम आदमी के लिए हैं और इस देश का मालिक आम आदमी है, हर कोई उसकी नौकरी कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित परेशान भी आम आदमी है। और चालान का जो जुर्माना है वो 200 रुपये करने के बाद तो लोग और टेंशन मान गए। हालांकि ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और वो इस बात को समझते भी हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि मास्क ज़रूर लगाएं और ये जुर्माने की कार्रवाई से बचें और कोरोना से भी बचें।